अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चना सैलेड की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे बॉईल 350 ग्राम चने। उसको 7-8 घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था चने को, सोडे के साथ सोडा मिला लिया था थोड़ा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, एक छोटा खीरा ले लेंगे, एक छोटा टोमेटो, एक छोटी प्याज, इन सबको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। थोड़े से रोस्टेड पीनट्स ले लेंगे, 4 हरी मिर्च छोटी उसको भी बारीक काट लेंगे, हरा धनिया उसको भी बारीक काट लेंगे, और नमक। अब हम सारी चीज़ों को चने में मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे, पीनट्स, प्याज, टोमेटो, खीरा, लेमन जूस, हरा धनिया और थोड़ा सा नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी है सारी चीज़ें। अब हम इसका सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। अब सॉस तैयार करेंगे। ऑलिव ऑयल में लेमन जूस डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब सॉस को चने में मिक्स करेंगे। वन टीस्पून शुगर भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चने की सैलेड तैयार है।